तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे हीरो आईएसएल सीजन 8 का फाइनल अवार्ड सेरेमनी के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखें। तो पूरे सीजन में जो अवार्ड होता है तो उसी के बारे में बताएंगे। तो पहला आता है इस सीजन का विनर। जो इस सीजन विनर बने हुए हैदराबाद FC, उनको प्राइज के थ्रू 6 करोड़ रुपये और मेडल दिया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है रनर अप। जो इस सीजन रनर अप बने वो रहे फिर से एक बार केरल ब्लास्टर्स FC, जिनको प्राइज के थ्रू 3 करोड़ रुपये और सिल्वर मेडल दिया गया। तो नेक्स्ट जो अवार्ड आता है गोल्डन बॉल। जो इस सीजन गोल्डन बॉल जीते और हीरो ऑफ द लीग बने वो रहे ग्रेग स्टुअर्ट, जिन्होंने 11 गोल डाला जमशेदपुर FC के लिए, बेहतरीन खेले इस सीजन पूरा। उनको प्राइज के थ्रू 5 लाख रुपये और एक गोल्डन बॉल दिया गया। तो नेक्स्ट अवार्ड जो आता है गोल्डन बूट। जो इस सीजन गोल्डन बूट विनर बने वो थे हैदराबाद FC के बार्थोलोम ओबेचे, जिन्होंने इस सीजन 18 गोल डाले। उनको प्राइज के थ्रू 2.5 लाख रुपये और एक गोल्डन बूट का ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट आता है गोल्डन ग्लव्स विनर। जो इस सीजन गोल्डन ग्लव्स विनर बने वो रहे केरला ब्लास्टर का गोलकीपर प्रोब शुभम गिल, जिन्होंने 8 क्लीन शीट रखा। उनको प्राइज के थ्रू 2.5 लाख रुपये और एक गोल्डन ग्लव्स का ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट अवार्ड जो आता है इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। जो इस सीजन सबसे अच्छा खेले वो थे बेंगलुरु FC का रोशन सिंह, जो इस सीजन इमर्जिंग प्लेयर बने। उनको प्राइज के थ्रू 4 लाख रुपये और एक ट्रॉफी दिया गया। तो आखिर में जो अवार्ड आता है हीरो ऑफ द मैच और फाइनल। फाइनल में जब हीरो ऑफ द मैच रहे वो थे लक्ष्मीकांत कट्टीमणि, जिन्होंने पेनाल्टी सेव किया और इसी के वजह से हैदराबाद FC पहली बार खिताब जीते। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए सीजन 9 हीरो आईएसएल में कौन सी टीम जीत सकती है, कमेंट में ज़रूर बताइए।